काशीवनी पुलिस सीमा में मऊजा बनीरा सावंगी नाले के पास अवैध तरीके से मोहफुल की शराब तैयार करने वाली भट्टी पर काशीवनी पुलिस ने छापामार कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को हिरासत में लिया। वहीं शराब तैयार करने वाली सामग्री के साथ 80 लीटर मोहफुल शराब जब्त की है। यह कार्रवाई बुधवार की शाम को काशीवनी पुलिस ने की। काशीवनी पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर मऊजा बनीरा सावंगी के नाले के पास अवैध तरीके से मोहफुल शराब तैयार की जा रही थी। इस तरह की जानकारी पार्श्वनी पुलिस विभाग को मिली थी। पार्श्वनी विभाग के आला अधिकारियों को इस घटना की जानकारी मिलते ही पार्श्वनी पुलिस हेड कांस्टेबल मुदस्सर जमाल, हेड कांस्टेबल संदीप कुंडू और साथ ही पुलिस ने घटना स्थल पर जाकर छापामार कार्रवाई की, जिसमें आरोपी फजीत गोविंद मडावी उम्र 51 मुकाम बनीरा को गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई में 80 लीटर मोहफूल दारू जब्त की गई, जबकि मोहफूल सड़वा जिसकी कीमत 65,000 रुपए आकी गई, जो घटनास्थल से पुलिस विभाग में जब्त की गई। कुल मिलाकर इस छापामार कार्रवाई में 83,690 रुपए का माल जब्त किया गया। यह कार्रवाई पार्श्वनी पुलिस निरीक्षक राहुल सोनावने के मार्गदर्शन में की गई। इस कार्रवाई में हेड कांस्टेबल मुदस्सर जमाल, हेड कांस्टेबल संदीप कंडू और साथ ही पुलिस कर्मचारियों ने की। घटना की आगे की जांच पार्श्वनी पुलिस कर रही है। पार्श्वनी से BCN न्यूज के लिए रुपेश खंडारे की रिपोर्ट।